बुल्स, स्वागत है आपका फ्यूचर बुल्स में। क्वार्टर थ्री के रिजल्ट सीजन में हम आपके लिए उन चार कंपनियों के रिजल्ट्स लेके आए हैं जिनको आपको देखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि रिटेलर्स इनमें से कुछ कंपनियों में बहुत ज़्यादा एक्टिव है और कुछ कंपनियां ऐसी है जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं और उन्हें उनमें इन्वेस्टमेंट बनाए रखनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं पहली कंपनी की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं पहली कंपनी की तरफ। कंपनी का नाम है ऊर्जा ग्लोबल। रिटेलर्स इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव है। वो सोचते हैं कि ये 9 रुपये की कंपनी कभी ना कभी 90 रुपये ज़रूर होगी, पर इसके लिए उनको पहले उसके रिजल्ट्स देखना ज़रूरी है। तो ऐसे ही हम क्वार्टर थ्री के कॉन्सॉलिडेट रिजल्ट पे आ चुके हैं, जो कि रुपीज़ इन लैक्स में डाटा शो किया गया है। मैं आपको रुपीज़ इन करोड्स में बताऊँगा। इस क्वार्टर का जो रेवेन्यू किया कंपनी ने वो है 10 करोड़ का। यही रेवेन्यू अगर आप पिछले क्वार्टर का देखोगे तो 9 करोड़ 70 लाख का था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू इसका बढ़ा है। वहीं अगर पिछले ईयर में देखें तो पिछले ईयर में कंपनी ने 25 करोड़ का रेवेन्यू किया था, जो कि इस साल में सिर्फ 10 करोड़ का कर पाई है, यानी रेवेन्यू हाफ से भी कम हो चुका है। बहुत बुरी बात है ये कंपनी की कि साल भर में उन्होंने उतना भी रेवेन्यू नहीं किया जितना पिछले साल में किया था। तो रेवेन्यू के ईयर और ईयर में बहुत गंदा इफेक्ट पड़ा है इसमें। वहीं अगर हम इसके एक्सपेंस की बात करें तो इस क्वार्टर का एक्सपेंस जो निकल के आया है वो है 9 करोड़ 71 लाख, जो कि पिछले क्वार्टर में 8 करोड़ था और पिछले ईयर में 25 करोड़ था। यही एक्सपेंस की बात करें तो मतलब ईयर ऑन ईयर घटता हुआ दिखाई दिया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट दिखाई दिया है। अब इसके मेन बात पे आ जाते हैं, जो कि है प्रॉफिट, कि प्रॉफिट कितना कमाया। तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 60 लाख का प्रॉफिट कमाया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1 करोड़ का था। यानी 1 करोड़ से अब 60 लाख पे आ गई कंपनी, बहुत बुरी बात है। प्रॉफिट बहुत गिरता हुआ दिखाई दिया है। पर यही अगर हम ईयरली में देखें तो पिछले साल कंपनी ने 31 लाख का प्रॉफिट कमाया था, जो कि अब 60 लाख का हो चुका है। प्रॉफिट डबल दिखाई दे रहा है ईयरली में। वहीं अगर हम इसके एक नज़र EPS पे डालें तो इस क्वार्टर का EPS 0.0114 निकल के आया है। यही EPS पिछले क्वार्टर में 0.0198 था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट दिखाई दी। पर ईयरली देखा जाए तो 0.0060 था पिछले साल में इसका EPS, जो कि अब बढ़कर 0.0114 हो चुका है। ईयरली में बहुत अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दी है EPS की। इसके रिजल्ट कैसे हैं वो हम आपको आखिरी में बताएंगे। चलते हैं हम अपनी दूसरी कंपनी की तरफ। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम आ चुके हैं अपनी दूसरी कंपनी की तरफ। कंपनी का नाम है महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड। कंसोलिडेट रिजल्ट है, रुपीज़ इन लैक्स में डाटा को शो किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्वार्टर की इनकम के बारे में। तो जो इनकम इसकी रेवेन्यू किया है इस क्वार्टर में कंपनी ने, 8 करोड़ 71 लाख का रेवेन्यू किया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। यही क्वार्टर पिछले में देखा जाए तो कंपनी ने 190 करोड़ का किया था। पर आप देखोगे कि सोचोगे और इतनी गिरावट कैसे आई। पहले हम बता दें कि जो इसका 180 करोड़ वो आया था डिविडेंड से, पर कंपनी ने जो रेवेन्यू किया असली में वो था 5 करोड़ का। तो अभी सिर्फ 5 करोड़ से कंपनी 8 करोड़ पे आई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर मेरे ख्याल से रिजल्ट अच्छे दिख रहे हैं। वहीं अगर हम ईयरली कंपेयर करें तो पिछले साल में कंपनी ने 10 करोड़ का रेवेन्यू किया था, जो कि अब कंपनी 8 करोड़ 70 लाख पे ही है। ईयरली में इसमें गिरावट दिखाई दी है रेवेन्यू में। वहीं अगर हम इसके एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस इसका निकल के आया इस क्वार्टर का 4 करोड़ 60 लाख का, और यही एक्सपेंस पिछले क्वार्टर में 6 करोड़ 80 लाख का था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट दिखाई दी एक्सपेंस में, अच्छी बात है। और यही ईयरली देखे तो 6 करोड़ का एक्सपेंस किया था पिछले साल में, जो कि अब 4 करोड़ पे है, ये भी अच्छी बात दिखाई दी। वहीं अगर हम इसके मेन चीज़ पे आ जाए कि प्रॉफिट कितना किया कंपनी ने, तो प्रॉफिट देखा जाए इस क्वार्टर का वो दिखाई दे रहा है 3 करोड़ का। यही प्रॉफिट अगर पिछले क्वार्टर में देखोगे तो वो कुछ अलग दिखाई दे रहा था डिविडेंड की वजह से, वो दिखाई दे रहा था 190 करोड़ का। तो इसको कंपेयर करना भी ठीक नहीं है, पर हम इसको ईयरली कंपेयर करें तो पिछले साल में कंपनी ने 3 करोड़ 30 लाख का प्रॉफिट किया था, जो कि अब घटकर 3 करोड़ पर आ चुकी है। ईयरली में गिरावट दिखाई दी है प्रॉफिट में, और क्वार्टरली में भी गिरावट दिखाई दी है। वहीं अगर हम इसके एक नज़र EPS पे डालें तो EPS आप देख सकते हैं इस क्वार्टर का EPS 2.63 है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1.166 था और पिछले ईयर में 2.89, यानी कि 2.89 से अब EPS हो चुका है 2.63। गिरावट देखी गई है कंपनी के रिजल्ट में।
इसकी भी हम आखिरी में बात करेंगे कि रिजल्ट अच्छे हैं या बुरे हैं। चलते हैं हम अपनी तीसरी कंपनी की तरफ और देखते हैं उसके रिजल्ट। तीसरी कंपनी पे हम आ चुके हैं। कंपनी का नाम है तालना प्लेटफॉर्म। रुबीज एंड लैक्स में डाटा को शो किया गया। कंसोलिडेट रिजल्ट देखते हैं। इस क्वार्टर की जो इनकम निकल के आई है वो है 875 करोड़ की। यही इनकम अगर पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो 860 करोड़ थी, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी बहुत मतलब इनकम बढ़ती हुई दिखाई है। और पिछले ईयर की बात करें तो 890 करोड़ की इनकम थी, जो कि अब घटकर 875 करोड़ हो चुकी है। ईयरली इसके रेवेन्यू घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम इसके एक्सपेंस की बात करें तो इस क्वार्टर का एक्सपेंस निकल के आया है वो है 730 करोड़ का। यही एक्सपेंस पिछले क्वार्टर में 721 करोड़ का था और पिछले ईयर में 690 करोड़ का था, यानी एक्सपेंस भी इसका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम आ जाते हैं इसके नेट प्रॉफिट पे। तो नेट प्रॉफिट की बात करें, इस क्वार्टर का प्रॉफिट जो निकल के आया है वो है 116 करोड़ का। यही प्रॉफिट को अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो पिछले क्वार्टर में 110 करोड़ का प्रॉफिट था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट हल्का सा बढ़ा हुआ है। पर अगर हम इसको ईयरली कंपेयर करें तो 158 करोड़ का था पिछले साल, जो कि अब घटकर 116 पे आ चुका है। ईयरली में प्रॉफिट अच्छा खासा गिरा है इसका। वहीं अगर हम इसके EPS पे नज़र डालें तो EPS इस क्वार्टर का निकल के आ रहा है जो है 8.58, और यही पिछले क्वार्टर में 8.14 था और पिछले ईयर में 11.66 था। यानी अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर और ईयर दोनों में ही इसके EPS में मतलब डीग्रोथ दिखाई दी है, गिरावट दिखाई दी है मेरे ख्याल से कंपनी के नज़र। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपनी चौथी और आखिरी कंपनी की तरफ। कंपनी का नाम है शक्ति पंप्स। रुपीज़ इन लैक्स में डाटा को शो किया गया। कंसोलिडेट रिजल्ट है। टोटल रेवेन्यू की बात करें इस क्वार्टर की, जो कि निकल के आई है 315 करोड़ की। यही इसको अगर हम क्वार्टरली मतलब कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर में 217 करोड़ की रेवेन्यू की थी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी खासी ग्रोथ देखी गई है रेवेन्यू में। यही अगर पिछले साल की बात करें तो 270 करोड़ की रेवेन्यू की थी पिछले साल में, जो कि अब बढ़कर 315 करोड़ की हो चुकी है। तो क्वार्टरली और ईयरली अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दी रेवेन्यू में। वहीं अगर हम इसके एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस इस क्वार्टर का जो कि देखने को मिल रहा है वो है 300 करोड़ का। यही एक्सपेंस पिछले क्वार्टर में 214 करोड़ का था और पिछले ईयर में 250 करोड़ का था। ईयरली और क्वार्टरली अच्छा खासा एक्सपेंस इसका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि थोड़ी ख़राब बात दिखाई दी इस, क्योंकि इसकी वजह से इसके प्रॉफिट कम हो सकते हैं। वहीं अगर हम इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड पे चले तो इस क्वार्टर का प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है वो है 11 करोड़ 24 लाख का। यही अगर पिछले क्वार्टर में देखोगे तो 1 करोड़ 90 लाख का था, यानी पिछले क्वार्टर में 1 करोड़ 90 लाख किया, जो कि अब बढ़कर 11 करोड़ पे आ चुके हैं। कंपनी ने 6 से 7 गुना प्रॉफिट बढ़ चुका है, वो भी क्वार्टर में। वहीं अगर हम ईयरली इसको कंपेयर करेंगे तो पिछले साल में कंपनी ने 14 करोड़ का किया था, जो कि अब सिर्फ 11 करोड़ का किया है। थोड़ी बहुत डी ग्रोथ दिखाई दी है कंपनी की ईयरली में। वहीं अगर हम इसके EPS की बात करें तो EPS इस क्वार्टर का निकल के आया है वो है 6.12। यही EPS अगर आप पिछले क्वार्टर का देखोगे तो 1 का था, 1 के EPS से अब वो 6 के EPS पे हो चुकी है। पर ईयरली देखोगे तो पिछले साल इसका EPS 8.04 का था, जो कि अब घटकर 6.12 का हो चुका है। यानी थोड़ी बहुत गिरावट इसके क्वार्टरली में मतलब ईयरली में दिखाई दी है। अब हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जो कि हमें लेनी चाहिए या फिर जिससे हमें दूर रहनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बता दें कि ऊर्जा ग्लोबल के नंबर्स जो थे वो ऐसे थे जो कि कहते नहीं है कि हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। वहीं उसके साथ साथ अगर हम महाराष्ट्र स्कूटर के भी नंबर देखें तो उसका भी सेम ऐसे ही था कि हमें उससे दूर रहना चाहिए। मेरी सलाह यही है कि रिटेल्स या फिर जो भी उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है उसमें इन्वेस्ट ना करें। थोड़े बहुत अगर उसको अच्छी कंपनी लगती है तो थोड़े बहुत और क्वार्टर के रिजल्ट का वेट करें, उनको देखें और कंपनी का बिजनेस भी जाने कि वो आने वाले टाइम पे अच्छा बिजनेस करेगी या नहीं। वहीं अगर हम बात करें तालना प्लेटफॉर्म की तो तालना प्लेटफॉर्म अपने हाई से 70% नीचे है, पर उसके रिजल्ट को देख कर मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ये परफॉर्मेंस करेगा। अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रखे हो और होल्ड करना चाहते हो तो आप ज़रूर करिए होल्ड, और इसमें बाइंग करो तो थोड़ी बहुत ही बाइंग करो। वहीं अगर हम इसको न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए देखना हो तो आप इसमें थोड़ी बहुत बाइंग करके अपना इसको फोकस कर सकते हो, अपना वॉच लिस्ट में डाल सकते हो। वहीं अगर हम बात करें शक्ति पंप्स की तो मेरे हिसाब से शक्ति पंप्स के रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए हैं। 6 गुना प्रॉफिट करना क्वार्टर में बढ़ा देना ऐसा कोई मतलब आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल बात है। कंपनी के रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। मेरे ख्याल से कंपनी
आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। ये एक मल्टीपैगर स्टॉक है। अगर आप इसके पिछला मतलब पीरियड देखोगे चार्ट में, तो मेरे ख्याल से चारों ही कंपनी में से सिर्फ एक कंपनी मुझे अच्छी लगी जिसके रिजल्ट शानदार थे, वो थी शक्ति पंप्स। बाकी अगर आपकी मतलब जिसमें आपको अगर इन्वेस्ट करना है, बाकी आप कर सकते हो। ऐसे ही रिजल्ट्स की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। किसी भी स्टॉक के बारे में डीप एनालिसिस चाहिए तो कमेंट में स्टॉक का नाम लीजिए, हम उस पर वीडियोस बना देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के रिजल्ट्स पे, तो चलिए बाय।